इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात करेंगे कांग्रेस के गृह युद्ध की। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गृह युद्ध तेज हो गया है। पहले G23 के विरोधी सुर सामने आए और अब बंगाल कांग्रेस में भी तलवारें खिंच गई हैं। ISF से गठबंधन को लेकर आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी के बीच जुबानी जंग हुई है। मैंने संगठन के हित में बात कही है। हम बिना यजक अकेले अलग से अपने मनमनी से कोई काम नहीं करते। मुझे लगता है कि ये उनके लिए सही नहीं है, इसलिए वो सोच सकते हैं कि कांग्रेस छोड़े दूसरी जगह में आए। बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कांग्रेस के लिए सिर मुंडाते ओले पड़ने वाली कहावत साबित हो रही है। बंगाल में कांग्रेस के साथ साथ फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन किया, जिस पर कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठ खड़े हुए। सवाल वहां से उठा जो इन दिनों खुद ही सवालों के घेरे में है। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले G23 नेताओं में शामिल आनंद शर्मा ने ISF के साथ गठबंधन को कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ बताया। मैं राजनीतिक संवाद में सभ्यता की महत्व देता हूं। सभ्यता को इसमें शालीनता रहनी चाहिए। अगर मतभेद कभी विचार के या सोच के हों, उसको मैं व्यक्तिगत मतभेद नहीं बनाता, मैं उससे हमेशा दूरी रखता हूं। ये मेरे संस्कार हैं और मैं उसी पर रहूंगा। जहां तक BJP से लड़ने की बात है, संसद और संसद के बाहर हमारा रिकॉर्ड पूरे देश को मालूम है और आप लोगों को। मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है, जिसकी समावेशी सोच है, उसको उसी परिपेक्ष में लिया जाना चाहिए। आनंद शर्मा ने सवाल उठाए तो बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन तिलमिला उठे। अधीर रंजन ने कहा कि उन्होंने जो कुछ किया वो पार्टी नेतृत्व से मंजूरी के बाद किया है, और अब आनंद शर्मा जो कर रहे हैं वो BJP को खुश करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग एक सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना यजक अकेले अलग से अपने मनमनी से कोई काम नहीं करते। कांग्रेस के दूसरे नेता इस मुद्दे पर अधीर रंजन के साथ खड़े दिख रहे हैं। हालांकि विवाद को बढ़ता देख कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस में बंगाल में लेफ्ट से गठबंधन किया है और ISF का गठबंधन लेफ्ट के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं। 92 सीट्स पे एक सहमति लाए थे कांग्रेस के हिस्से की, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जिस पे लड़ेगी। दूसरा, जो हमने एक गठबंधन बनाया है उसमें अगर कुछ सीट्स दी गई हैं जिसको आप ISF कहते हैं, तो वो 100% CPM के हिस्से से आई हैं। कांग्रेस के अंदर कलह शुरू हुई तो सबसे ज्यादा BJP को भी बोलने का मौका मिल गया। बंगाल BJP अध्यक्ष दिलीप घोष ने मौका देखकर चौका लगाया और अधीर रंजन चौधरी को BJP ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। अधीर रंजन चौधरी सम्माननीय नेता है कांग्रेस के, एक बार अध्यक्ष बने प्रदेश का, फिर दोबारा बनाया गया, ये उनकी मजबूरी भी है। लेकिन जिस प्रकार से उनको असम्मान किया जा रहा है जगह जगह में, मुझे लगता है कि ये उनके लिए सही नहीं है, इसलिए वो सोच सकते हैं कि कांग्रेस छोड़े दूसरी जगह में आए, तो ऐसे नेता के लिए जगह की कमी नहीं होगी कहीं। एक तरफ बंगाल में ISF के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस में बवाल मचा है, तो दूसरी तरफ G23 के नेताओं के विरोधी सुर भी कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। इसका असर मंगलवार को जम्मू में दिखा, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का पुतला फूंक डाला। गुलाम नबी आजाद से पार्टी के नेताओं की नाराजगी इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। मतलब ये कि एक तो कांग्रेस पहले से ही अपनी लगातार खोती जमीन को बचाने में जुटी है, लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस में घमासान मचा है उससे पांच राज्यों में चुनाव में और ज्यादा नुकसान हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।